तो फिर कैसा बनाए चिकन? भाई साहब लकड़ियाँ काटते हैं यहाँ से, आलू भाई कसम अजू को कहा कि चावल भी चढ़ा दिए जाए उस तरफ। भाई ने नज़दीक से ना आलू देखा यार, अच्छा लग रहा है, मतलब जो पहाड़ी स्टाइल में बनता है ना यार भाई, मेरे हिसाब से तो ये जगह बेस्ट है, बेस्ट है ना ये एक तो हो ही गया, यहाँ पे भी बर्फ गिरी थी। सो गाइस गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। ऐसे आप सब उम्मीद करूँगा अच्छे खासे होंगे। गाइस एक और सुबह हो चुकी है यार, आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो कल भाई मैंने एक पोस्ट की थी यूट्यूब के ऊपर और जिसमें पूछा था कि आपको पहले कौन सा ब्लॉग चाहिए, जो कि स्क्रीन शॉट आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो उसमें मैंने पूछा था कि फैमिली मीटअप वाला ब्लॉग या आउटडोर कुछ बेटर स्पेशल चिकन कुछ भी लाइक कुकिंग का ब्लॉग, तो वही सबसे ज़्यादा वोट है कुकिंग के लिए। तो हम आज करने वाले कुछ आउटडोर स्पेशल कुछ बनाते हैं जो आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यार चिकन लाने के लिए क्या चाहिए? मनी, जो कि हमारे पास हमेशा हमेशा से रहा ही नहीं। तो फिलहाल मैं मांगता हूँ अंतर किस सामान, दादी से मांगता हूँ, उनसे पैसे लेते हैं, बाज़ार जाते हैं कुछ सामान लाते हैं, उसके बाद मिलता हूँ। पैसे मांगते पहले दादी पैसे दे 500। तो मांगे यार, मैंने थोड़ी सी डांट पड़ी है लेकिन देंगे। सो गाइस फाइनली यार पहुंच चुका हूं मैं दुकान से वापस, सब कुछ ले आया भाई, चिकन वगैरह भी और जो कुछ सामान लगता था वो सब ले आया। अभी घर में पहुंचा, टाइम हो रहा है दोपहर के 12 और जस्ट चलते अभी दोस्तों को फ़ोन करता हूं मैं और फिर कुछ करते हैं स्पेशल, मज़ा आने वाला है। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, बने रहना एंड तक ठीक है, और ना लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस यार सामान वगैरह पैक करने के बाद हम निकल चुके अपनी मंजिल की ओर, अब सीधे लोकेशन पर ही मिलूँगा आपको, मगर लोकेशन हमारी बहुत दूर है ना जू, काफ़ी दूर है ना, बहुत दूर, हमें भाई काफ़ी दूर जाना है, लोकेशन आपके लिए एकदम बेस्ट चुनी हुई है। तो प्यारे साथियों यार काफ़ी भाई घर से चढ़ते चढ़ते काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं और ना थक लगी, फिलहाल हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर रहे हैं। उसके बाद तो यार अभी पहुंचे हम त्रिवेंद में, यहाँ पे हमारा ना ये होम ग्राउंड है और मंदिर हमारे माता जी का यहाँ पे ऊपर, आप देख सकते हो ये मंदिर है, यहाँ पे जो व्यू है ना पीछे बर्फ़ पड़ी है अभी ताज़ा ताज़ा पिछले कल, एक बार ये आप देखो ऊपर पूरे पहाड़, थोड़ा आगे से चल के हम आपको दिखाते हैं। बस यार मैं आपको दिखाऊं सामने ना हमारा जो मंदिरालय का पहाड़ है वही, उस पर काफ़ी सुंदर बर्फबारी हुई है इस बार और उसके नीचे या उसके आसपास तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो फिर वहाँ पे हमारा जो भी है भाई आज का प्लान वो अंजाम दिया जाएगा उस प्लान को वहाँ पर जाने के बाद, तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों यार फ़ोन किया था संजय को एक्चुअली ना भाई, वो कुल्हाड़ी लाना भूल गए थे, मतलब कुल्हाड़ी रह गया घर में, और लकड़ी के लिए सबसे पहले चाहिए कुल्हाड़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल लकड़ी की ज़रूरत है आग जलाने के लिए। था लेके चल दो दोस्तों, ये जूम किया है मैंने यार, पता नहीं वहाँ पे नीचे कुछ है, भालू जैसा लग रहा है, क्या है? भालू ही है वो, भालू भाई कसम है, भालू कर क्या रहा है यार यहाँ पे, क्या है इसने कुछ मारा हुआ है यहाँ पे, खाने में लगा हुआ है कसम है दोस्तों, भालू है ये। तो जिंदगी में पहली बार भाई इतने नज़दीक से ना भालू देखा यार, पता नहीं उसने वहाँ पे कुछ मारा हुआ था ऐसा लग रहा है, उसने हमें नहीं देखा, हमें देखा ही नहीं, हम काफ़ी ऊपर थे पहाड़ के ऊपर, वो तो मैंने जूम किया हुआ था, इतना बड़ा यार साक्षात इतना बड़ा जानवर सामने आ जाए ना भाई फट के हाथ में आ जाती है। सेम हमारे साथ भी ऐसे हुआ, अभी भागते भागते बहुत दूर आ गए हम। तो यहाँ पे यार पानी भर लेते हैं क्योंकि यहाँ से आगे हमें वही पानी मिलने वाला नहीं है और हम दोस्तों जाने वाले हैं इस स्टॉप के ऊपर, तो फिलहाल यहाँ से पानी भरते हैं और चलते हैं फिर। ये हमारा सफर जारी, अभी तक मंजिल हमें मिली नहीं है दोस्तों, लोकेशन हमारी उम्मीद करेंगे कि पास में ही हो क्योंकि अब थक भी लग चुकी है और ठंड भी बढ़ चुकी है, जल्दी से आग जलाना पड़ेगा कहीं, बर्फ़ देख सकते हो नीचे। तो लोकेशन के ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आज हमारा होने वाला आउटडोर विंटर स्पेशल चिकन गाइस। तो यहाँ पहुंच चुके हैं, सामान उतारते हैं सबसे पहले, संजय जी पधारते हुए और हमारे हमको मिला यहाँ पे वीडियो है, यहाँ पर है बिल्कुल साक्षात सामने हुए
नहीं यार, बड़ा कसम है भाई, मेरे हिसाब से तो ये जगह बेस्ट है, बेस्ट है ना, लकड़ियां काटने है ना, हवा भी नहीं लगेगी यहाँ पर, यहाँ हवा वगैरह भी नहीं होगी। नीचे तो हम जाएंगे नहीं, वहाँ पर पड़ी है बहुत ज्यादा बर्फ। हाँ, वहाँ हम पूरी तैयारी से नहीं आए ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार आएंगे, नेक्स्ट टाइम तैयारी से आएंगे और वहाँ पीछे तक जाएंगे, गढ़ माता तक। गढ़ माता तक तो फिलहाल लकड़ियां लाते हैं, लकड़ियां काटते हैं यहाँ से, कुछ इकट्ठा करते हैं और चूल्हा बनाने के लिए पत्थर भी चाहिए होंगे यार। तो यार अब जब तक ये लकड़ियाँ काटते हैं तब तक मैं चूल्हे के लिए पत्थर ढूंढता हूँ और चूल्हा बनाता हूँ। तब तक पत्थर तो ले गया मैं यार, ये देखो भाई पेड़ के साथ ही है ना, जो भाई हिमाचल से है वो तो जानते होंगे, और ये आग जलाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। पत्थर लाया हमने दूर से आ रहे हैं ना, पहाड़ों में पत्थर ही नहीं मिल रहे हैं, पता है इतने मिट्टी वाले पहाड़ है ये, बन रहा है हमारा चूल्हा। ये बन रहा चूल्हे की तैयारी यार, यहाँ पे ना पत्थर ही बड़े दूर से मिल रहे हैं। संजय बनाएगा चूल्हा यहाँ पे, आग भी संजय ही जलाएगा यार, पीछे मत लाना चाहिए। दोस्तों हमारा चूल्हा तैयार हो। तो ये पत्थर लकड़ी लाने के बाद यार थोड़ा सा आराम कर रहे थे, फिलहाल अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं, अब अपनी आग यहाँ पे जलाते हैं और फिर काम अभी हमें काफ़ी ज़्यादा है। मौसम भी आप देख सकते हो खराब है, पीछे बर्फ पड़ी हुई है, सामने पड़ रही है यार। यहाँ पे जलने स्टार्ट हो गई भाई। मैंने आपको जो दिखाया था दोस्तों, ये ना पेड़ से जो मैं लेकर आया था, ये देखो ये वाला आग पकड़ता है इतनी जल्दी, क्या ही बताऊँ। ये देखो ये हम अपनी भाषा में बोलते थे खंगी, और हिंदी में क्या बोला जाएगा इसे पता नहीं, जो भी कहा जाएगा यार। मतलब जलना हो चुकी है स्टार्ट, बस दो चूल्हे हमारे तैयार हैं, एक के ऊपर बनेगा अपना स्पेशल पहाड़ी स्टाइल चिकन एंड दूसरे के ऊपर बनेगा राइस। दोस्तों जब तक अपनी आग ये जलेगी मतलब सही ढंग से, तब तक हम जो है भाई अपना चिकन का जो सामान है उसको तैयार करते हैं, प्याज टमाटर वगैरह काटते हैं। तो बैग खोलते हैं, इसमें से सामान निकालते हैं अपना, प्याज टमाटर, ये चाकू, चावल हैं, चावल चावल, और ये दोस्तों सब्जियां जो प्लेट्स निकालते हैं यार, और इसके ऊपर ना काटना स्टार्ट करते हैं ये। तो संजय और अजय काटेंगे, मैं तो यहाँ बैठूंगा अभी। तो स्टार्ट हो चुका अपना काम, देख सकते हैं यार देसी लहसुन जो है कितने बड़े बड़े दाने हैं यार, गुठलियाँ देखो अपने खेत, ये हमारी भाई ऑर्गेनिक है जो, बाकी तो मैंने सुबह दुकान से लाया था, लेकिन लहसुन मैं घर से लेकर आया था क्योंकि घर में ताजा ताजा निकाल खेत से निकाल के पिछले साल का निकाला हुआ है यार। तो दोस्तों यार हमारे पास यहाँ जंगलों में अब आप जानते हैं कि ग्राइंडर मिक्सर ऐसा कुछ तो होगा नहीं, ना चट्टू भी नहीं तो लहसुन और अदरक कूटने के लिए हम पत्थर का उपयोग करने वाले, पत्थर के ऊपर इसे कूट देंगे, थोड़ा सा धोते हैं इसको पहले, और फिर जो है भाई देखना आप हमारा कमाल, कुलाड़ी के साथ कूटे जाएंगे ये। आग तो सही तरीके से जल चुकी है, पत्थर को भी थोड़ा सा धो लेते हैं यार, क्योंकि क्या पता कैसे कैसे पत्थर होते हैं जंगलों में, वैसे बर्फ पड़ी होंगे तो साथ ही, लेकिन भाई थोड़ा सा धोया जाए ना तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कूटा जाएगा लहसुन कुलाड़ी के साथ, उठ कर दे। तो ऐसे ही दोस्तों पत्थर के ऊपर हम कुछ लहसुन ऐसे कूट सकते हैं ना, इट्ठी चुकूंगी टमाटर पाने को। दोस्तों सब्जी तो आप देख ही सकते हो लगभग अज्जू ने कर दिया, अब यहाँ पे हम ना चढ़ाते हैं यार, हो गया सब कुछ तैयार, बर्तन निकालते हैं, थोड़ा सा पानी से धो देते हैं ना एक बारी। तो यहाँ पे अब दोस्तों अपना जो है चूल्हे के ऊपर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई देखो मेरे दादाजी के टाइम की है और है भी उन्हीं की सच में, पर ये बर्तन है ऐसे बाहर जब भी हम कुकिंग या आउटडोर कुछ भी करते हैं ना उस जगह पर ऐसे बर्तन ज़्यादा शोभा बढ़ा देते हैं, नए नहीं ला सकते, आग के ऊपर ख़राब हो जाते हैं, और बेसिकली वैसे भी ये हमारे चूल्हे पर ही चढ़ता है घर में, तो मैंने सोचा इसी को लेकर चलते हैं, और चिकन के लिए कढ़ाई सबसे बेस्ट है। ये देख सकते हो कढ़ाई तो सूख गई है, पानी जो मैंने धोया था, अब इसमें डालते हैं ऑयल, और इसमें ऑयल डालते हैं, ये जो है तैयार हो चुका है। तो तेल मैंने लाया था, ये मस्टर्ड ऑयल है सरसों का, बिल्कुल शुद्ध भाई, इतना तेल लग जाएगा, एक केजी से ज़्यादा मुर्गा था ये। तो दोस्तों यहाँ पे अपना तेल जो है पक चुका है लगभग ऑलमोस्ट, और यहाँ पे मैंने अजू को कहा कि चावल भी चढ़ा दिए जाएँ उस तरफ तो बेहतर रहेगा यार। तो अजू चावल यहाँ नाप के डाल रहा है, वैसे पूरे ही लाए थे हमने तीन लड़कों के लिए, तो सारे ही डाल देंगे इसमें, क्योंकि इतने से तो भाई हम खा ही जाते हैं ऑब्वियसली यार। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस रेसिपी के ऊपर ध्यान दें, वैसे सबका तरीका एक जैसा ही होता है, लेकिन ये पहाड़ी स्टाइल में जो चिकन बनता है ना उसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है, और
ध्यान देना यार, देखते रहना कि कैसे कैसे बनता है, फिर ट्राई करना। जब बनाओगे तो फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हमने ऐसा बनाया, ठीक है। तो एक तरफ अपना तेल पककर तैयार हो चुका है और दूसरी तरफ जो है चावल चढ़ चुके हैं। तो यार इसमें अब मसाले वगैरह जो ऑर्गेनिक है उसको ऐड करते हैं। लाइक क्या लाया था मैंने, धनिया है, और धनिया का जो फ्लेवर होता है ना भाई वो कुछ अलग ही होता है। और ये लाल मिर्च है, बाकी ये तो डालेंगे ही, लाल मिर्च तो थोड़ा। ये दोस्तों इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा धनिया और ये लाल मिर्च। फिलहाल अब जो अजय ने यहाँ पे सब्जियाँ काट के रखी है ना भाई, प्याज और टमाटर, इसको लेकर चलते हैं वहाँ, क्योंकि ये अब इसके बाद का जो स्टेप लेने वाले हम वो है ये। तो इसमें डालने वाला हूँ अब मैं हरी मिर्च सबसे पहले, और ये भाई जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो। अब ये जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होता है उसके बाद डालेंगे हम दोस्तों इसमें प्याज। तो ये जो अदरक और लहसुन के पेस्ट की खुशबू होती है ना गाइस, ये कुछ एक अलग ही फ्लेवर देती है यार। इसमें डालते हैं अब सीधे फटाफट से प्याज, क्योंकि ब्राउन ये हो चुका है। और ये प्लेट देंगे अजय को, इसके ऊपर कटेगा अपना मुर्गा, मुर्गा छाप, मतलब कटा हुआ ही है, उसके थोड़े ना पीस को छोटा छोटा कर देंगे। संजय और अजय ने जो है काट दिया भाई यहाँ पे ना, इसको थोड़ा सा हम बाद में धोएंगे। तो दोस्तों प्याज अपना पक कर तैयार हो चुका है, अब इसमें मैं टमाटर ऐड करने वाला हूँ। ये टमाटर डल गए गाइस इसमें। तो टमाटर को पकाने के लिए सबसे पहले डाला जाता है नमक, आपको पता ही होगा। हल्दी अभी तक हमने इसमें डाली नहीं है, वो थोड़ा रुकने के बाद डालते हैं। तो नमक हमने इसमें लाया था, नमक डालता हूँ मैं। तो ये नमक ऐड करते हैं थोड़ा इसमें फिलहाल टमाटर पकने के लिए, बाकी उसके बाद हम बाद में डालेंगे जब चिकन डाल देंगे इसमें। यहाँ पे टमाटर प्याज बस ऑलमोस्ट पक ही चुके हैं, और चावल यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये देखो बनकर, यार भाप ही इतना ज़्यादा है ना, बनकर तैयार ही हो चुके हैं। आज टमाटर सब पक चुका है, और उसके ना बाद जो है हम ये चिकन धो दिया है, इसके बाद चिकन डालते हैं इसमें अब फटाफट से। ये चिकन भाई पकड़ने के लिए लाया नहीं था कुछ यहाँ पे, और अब अपनी जैकेट उतार के दोस्तों जैकेट के साथ ही काम चलाना पड़ रहा है। अब ये ना थोड़ी देर में पक जाएगा, इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हल्दी। अभी तक हल्दी डाली नहीं है, और ऊपर से आप फ्लेवर और कलर चेक करेंगे तो एकदम लाजवाब सा आ रहा है, बगैर किसी मसाले के। पानी तो नहीं, भी यहाँ पे ऐड कर दी है स्वाद अनुसार, और ज़्यादा हल्दी मुझे पसंद ही नहीं है, मैं हल्दी नहीं करता हूँ ज़्यादा पसंद यार, बस थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए दोस्तों। दोस्तों आप कलर चेक कर सकते हैं यार, थोड़ी देर के बाद अभी मैंने इसको एक बार ओपन किया फिर से, तो भाई ऐसे ना जी ललचा रहा है एकदम से पीसेस देखकर, और कलर फ्लेवर सब कुछ खुशबू आ रही है ना, हा हा क्या ही बताऊं। तो दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है हमारा बनाया हुआ देसी स्टाइल चिकन आपको कैसा लग रहा है, मतलब जो पहाड़ी स्टाइल में बनता है ना यार, इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा ऑयल है, इतना सा चलता है क्योंकि हमें काफ़ी अप डाउन करना पड़ता है पहाड़ों के ऊपर, तो इतना सा इससे कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ता हमारा, सब नॉर्मल रहता है। मगर कमेंट करके बताए लजीज चिकन आपको लग रहा है या नहीं, तो कुछ ही देर में ये पक जाएगा, उसके बाद टेस्ट करके आपको बताएंगे। ये देखिए हमारा चिकन जो है पककर तैयार हो चुका है, और अब बस पूरा के ऊपर पकने के लिए हम छोड़ेंगे इसको एक मिनट तक, और उसके बाद दोस्तों हम आपको चेक करके बताएंगे, टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है, ठीक है। तो दोस्तों यार टाइम हो रहा है अभी शाम के 5:30, और ऑलमोस्ट हमारा चिकन वगैरह पककर तैयार हो चुका है। अब टेस्ट करवाते हैं सबसे पहले अजू और संजू को, और ये बताएंगे कि कैसा बना है, क्योंकि भाई उसके बाद मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो काफ़ी मेहनत के बाद अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या कितना कितना लगा, ठीक है। ये देखिए हमने प्लेट में डाल दिया भाई साहब, इतना लजीज लग रहा है। तो सबसे पहले चेक करेगा अज्जू और उसके बाद संजू, तो चेक करो अज्जू, लेट्स गेट चेक। यस ये ये चेक करो, टेस्ट करके बताओ भाई हमारे, स्वादिष्ट है, लाजवाब लाजवाब। हमारे कुक साहब रेसिपी पूछ रहे हैं इनसे, रेसिपी आपको बता दी जाएगी दोस्तों। वाह वाह, रोस्ट और बट उड़ी दी, बिल्कुल सच सच बताना है भाई, मेरा बिल्कुल वीडियो के लिए नहीं, सच बताना है, बिल्कुल अल्टीमेट यार, अल्टीमेट बस। तो दोस्तों अब चेक करता हूं मैं यार अपना बनाया हुआ चिकन, देखते हैं कैसा है। तो एक बार ये रहा चिकन लेग पीस, और
तो फिर कैसा बना है चिकन भाई साहब? लाजवाब है, बेहतरीन, अल्टीमेट, 10 out of 10, 10 में से 10 नंबर है, 10 में से 11, 10 में से 11। कमेंट करके आपने देख लिया ना चिकन कैसा बना था, कमेंट करके बताना है अच्छा था या नहीं, और इसमें क्या क्या लगा था। 1 किलो हमारा चिकन था, 1/2 किलो टमाटर, 1/2 किलो प्याज, 2 लहसुन, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, और बस मसाले, धनिया और लाल मिर्च, इतना सा था गाइस। ठीक है, तो यार यहाँ बैठे बैठे काफ़ी वक्त हो चुका है, शाम हो चुकी है, अब भी हमने खाया चिकन, खाते हैं अब चावल के साथ। और तना अगला व्लॉग मैंने बताया था मीटअप का होगा, तो कल आपको मिलाऊंगा मैं अपनी फैमिली के साथ। ये व्लॉग दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट करके बताना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूँ कल नए व्लॉग के साथ।